आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अब मुझे। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफी सारे कोर्ट शेफ कॉन्टेस्ट दिए हैं। अब 40 कोर्ट शेफ कॉन्टेस्ट दिए हैं, उसमें लॉन्ग कॉन्टेस्ट हो सकता है, उसमें शॉर्ट कॉन्टेस्ट हो सकता है, कुक ऑफ, लंच टाइम, स्टार्टर, सब कुछ हो सकते हैं। और मैं 4 स्टार हूँ अभी करंटली, कोर्ट मतलब करंटली 4 स्टार नहीं हूँ, मतलब जो मेरी हाईएस्ट रेटिंग है वो 4 स्टार है। और बस तो मैं यहाँ पर अपना ग्राफ शो करूंगा, और ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा ट्राइंगल होगा, और ये ट्राइंगल दर्शाता है कि मेरा प्लेगरिज्म आया हुआ है एक कॉन्टेस्ट में, मतलब एक कॉन्टेस्ट में मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हूँ और कोर्ट शेफ ने मेरी रेटिंग को डाउन कर दिया है। उस ट्राइंगल यही सिग्निफाई करता है। अगर मेरे पास वो मेल होगा तो मैं मेल की भी फोटो कॉपी यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे मतलब मेरे प्लेगरिज्म कैसे लगा, उसकी पूरी स्टोरी क्या थी। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखलाऊंगा कि उसकी पूरी स्टोरी कैसे थी, पूरी प्रॉपर तरीके से, और फिर आके हम बात करते हैं। तो चलिए। एन इक्वल टू एस सी डॉट प्रिंट, चलो कोड तो सही लग रहा है, चलो इसे रन करके देखता हूँ। चलो रन सही से हो चुका है और इन आउटपुट भी हमारा आ चुका है सही से, सबमिट करके देखता हूँ। यस, ये मेरा सबमिट भी हो चुका है। आज के कॉन्टेस्ट में तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पिंगो, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो। हाँ भाई। अरे भाई, तो मुझे क्या सेकंड क्वेश्चन भेज सकता है शेफ और शेफीना वाला जो कॉन्टेस्ट में है? सेकंड क्वेश्चन? हाँ, सेकंड क्वेश्चन तो हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। भाई मैं उसे बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ पर वो हो नहीं रहा है, मेरे को कोई भी अप्रोच नहीं आ रही है। तो क्या तुम मुझे अप्रोच बता सकता है उस क्वेश्चन की? अरे अब बताने का टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली ना थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें ना काफी ज्यादा टाइम मतलब का टाइम तो कमी बचा है ना, तो मैं कैसे बताऊँ तेरे को। चल मैं तेरे को ना क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है? तो फिर उससे मतलब उससे समझ के कोड चेंज करके कर दियो, ठीक है? चलो भाई कोई बात नहीं, तो हम सेकंड क्वेश्चन भेज देते हैं। रामू 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 ये रहे, एंड तो आपने भी देख लिया होगा कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होता है मेरे को कुछ भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैंने क्या किया। मेरे का था मेरे को तो बस ये था कि मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी है, नॉर्मल सब कुछ जा रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ कि बिल्कुल स्मूथ गया, बिल्कुल स्मूथ गया। मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट और दिए, फिर कॉन्टेस्ट लगातार देने के बाद मैंने एक बारी अपनी प्रोफाइल खोल के देखी, और प्रोफाइल खोलने के देखने के बाद मैंने क्या देखा कि वो छोटा सा ट्राइंगल है मेरी प्रोफाइल में। मैंने पता किया कि वो प्लेगरिज्म था। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं इतने सारे कॉन्टेस्ट देता हूं, अब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने किसी को, अपने फ्रेंड को एक्स वाई जेड, उसे कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन भेजा है। तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इन्होंने मेरा प्लेगरिज्म क्यों लगाया है, मैं तो ईमानदारी से कॉन्टेस्ट देता हूँ, मैं तो चीटिंग भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ईमेल खोल के देखा कि क्या कोर्ट शेफ ने मुझे इससे रिलेटेड कोई ईमेल किया है, ठीक है। तो फिर कोर्ट शेफ ने मेरे को पहले टाइम पे तो कुछ ईमेल नहीं दिखा, फिर मैंने 2-3 बार ईमेल खोल के देखा अपना, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी अपना ईमेल दिखाया खोल के। मैं तो काफी ज्यादा टेंशन में था तो मुझे वो ईमेल नहीं दिखा, पर मेरा एक फ्रेंड है उसने देखा कि 7 दिन पहले ही कोर्ट शेफ ने मेरे को मेल कर रखा है कि एक्स वाई जेड आईडी के साथ आपका कोड मैच होता है और आपका सबमिशन पहले था। तो जिसका सबमिशन पहले होता है उसके प्लेगरिज्म लगता है, मतलब जो चीटिंग करवाता है उसके प्लेगरिज्म लगता है। तो मतलब कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबमिशन मैंने पहले किया था और मेरे फ्रेंड ने वो सबमिशन पर्टिकुलरली, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया था और वही सबमिशन छाप दिया था, और उसने वो दूसरे अटेम्प्ट में मतलब दिया था। सबसे पहले मेरा अटेम्प्ट हुआ फिर उसका अटेम्प्ट हुआ। तो जो पहला अटेम्प्ट है कोड शेफ मानता है कि उसने ही अपने कोड को पर्टिकुलरली फॉरवर्ड किया है, तो प्लेगरिज्म उसका ही लगेगा। तो जो चीटिंग करवाता है उसका प्लेगरिज्म लगता है। फिर मेरे को इस बात का काफी ज्यादा दुख हुआ, मैं काफी ज्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि भाई जब तुम्हारी इतनी बड़ी ग्राफ है और उस पर दाग लग जाता है ना, तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आप दूसरों को कैसे समझाओगे कि मतलब कि आपने चीटिंग नहीं करी है,
ठीक है, दूसरे तो मानेंगे ना कि आप चीटर हो और ये सारे कॉन्टेस्ट भी आपने चीटिंग करते हुए ही दिए, तो ये काफी ज्यादा बुरी बात थी मेरे लिए। और उस समय हमारे पास, मैं ऑफ कैंपस में भी अप्लाई करने लग गया था और मुझे को पता था कि ऑफ कैंपस में कोर्ट शेफ और कोर्ट फोर्सेस की रैंकिंग काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है और वो ग्राफ भी देखा जाता है। तो अगर मेरा ग्राफ ही अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल सब खराब हो जाएगा, ठीक है। वो देखेंगे प्लेगरिज्म है, वो मेरी पुरानी मेहनत पीछे की नेगलेक्ट कर देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट किया, ठीक है। मेरे एक सीनियर हैं हार्दिक सर, ठीक है। मैं मतलब उनको मैंने मैसेज वगैरह किया था, कॉल वगैरह मुझे अभी तो पर्टिकुलरली याद नहीं है, पर उन्होंने मेरे से एक ही बात कही पर्टिकुलरली कि तुम कॉन्टेस्ट देते क्यों, तुम कॉन्टेस्ट रेटिंग के लिए देते हो या फिर तुम कॉन्टेस्ट अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए देते हो। मैंने सोचा हाँ, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए देता हूँ, मैं रेटिंग को नहीं देता हूँ, मुझे किसी को अपनी रेटिंग दिखानी भी नहीं है, रेटिंग बस एक तुम्हारी मोटिवेशन हो सकती है, पर ये नहीं कि तुम कुछ भी चीटिंग वीटिंग कर मतलब कि रेटिंग अपनी बढ़ा लो। तो मैंने उनकी एडवाइस ली और मैंने सोचा कि अब हम नई आईडी नहीं बनाएंगे। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि मैं नई आईडी बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कोड शेफ छोड़ दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी आईडी में कंटिन्यू करूँगा, जो है उसे एक्सेप्ट करूँगा और फिर फर्दर आगे बढ़ूँगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और उसके अगले से अगले कॉन्टेस्ट में ही मेरे क्या आई, AIR 2 आई। एक कुक ऑफ चैलेंज था, उसमें मेरी AIR 2 आई और उसमें से मैंने 6 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करे AIR 2 और ग्लोबल रैंक मेरी आई 7 या 8 थी, या तो 7 थी या 8 थी। AIR 2 आई थी, AIR 1 किसी IIIT या IIT के बंदे थी की थी, बाकी मेरी AIR 2 आई। और मेरे को अपने आप पर भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं AIR 2 ला सकता हूँ किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद, पर अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उधर डिमोटिवेट नहीं हुआ और चलता गया चलता गया चलता गया और फाइनली मेरी AIR 2 आई। अब तो मैंने कोर्ट शेफ छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि अब मैं लीड कोर्ट पर प्रैक्टिस करता हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ, तो इस वजह से मैंने कोर्ट शेफ को छोड़ दिया है। पर बस यही था। एंड में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि चीटिंग बिल्कुल ना कीजिए और ना ही चीटिंग करवाइए, क्योंकि पता है इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ईमानदारी से अपना कॉन्टेस्ट देते हैं और जब उनकी रेटिंग नहीं बढ़ती है तो वो डिमोटिवेट होते हैं और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को छोड़ देते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को लीव कर देते हैं कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, तब भी मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही है। तो इससे काफ़ी सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, वो भी कोडिंग छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना कॉन्टेस्ट देना चाहिए। रेटिंग केवल एक मोटिवेशन होनी चाहिए, पर आपका मेन मकसद होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो बस यही मैसेज मेरे को देना था आज की वीडियो में। और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कॉन्टेस्ट रेगुलरली देते हैं, चाहे कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, बाय बाय।